हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को कैसे फास्टर और स्लोअर कर सकते हैं। ये आपके ही हाथों से होगा, मैं बताता हूं आज आपको कैसे होगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा। मोबाइल सेटिंग में आपको अबाउट फ़ोन के ऑप्शन को क्लिक करना होगा। अबाउट ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिवाइस इन्फॉर्मेशन। डिवाइस इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई भी आप सेटिंग इनेबल करते हैं तो वो डेवलप ऑप्शन से ही होती है। आपको कंटिन्यूसली 7 टाइम्स बिल्डर नंबर को क्लिक करना होगा। मेरा ऑलरेडी ये डेवलप ऑप्शन इनेबल्ड है, इसलिए ये मेरे पे ऑलरेडी शो हो रहा है। आप जैसे इसको 7 बार क्लिक करेंगे ये आपका डेवलप ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आइए अब आपको ले चलते हैं ये कैसे आपको करना है। ये देखिए, डेवलप ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है क्योंकि आपने इसको इनेबल किया है। जब आप डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। मैं आपको बताता हूँ वो ऑप्शन कौन कौन से हैं। ये 3 ऑप्शन है, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल एंड एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल। इन 3 को जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको एनिमेशन स्केल दिखाई देते हैं। अगर आप अपने फ़ोन को स्लो करना चाहते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारे स्केल दिए गए हैं, 1, 10, 5, 1.5, 10, 2, 10, 5, 10 एंड 10 एंड 10। आप इसे 10 on 10 पे करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन करने होंगे 10 on 10 पे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी फ़ोन स्लो हो चुका है। जब आप इसको 10 on 10 पे कर देते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि फ़ोन पहले से बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है। आप भी करके देखेंगे तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा 0 विजिबिलिटी पे मिनिमाइज़ होती हैं, कोई भी आप ऑप्शन क्लिक करते हैं बहुत ज़्यादा स्लो तरीके से आती है। ये देखिए, मैंने अपने फ़ोटो मोबाइल का एल्बम खोला, बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आप अपने मोबाइल को कैसे फास्ट करें। पहले हमने सीखा था कि फ़ोन को कैसे स्लो किया जाए, अब आप देखते हैं कैसे ये फास्ट होगा। फिर से आपको मोबाइल सेटिंग के थ्रू आपको डेवलपर ऑप्शन पर जाना होगा। सेटिंग्स क्लिक करके आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपना फ़ोन स्लो किया था तो बहुत स्लो काम कर रहा है फ़ोन। अब इसको फास्ट कैसे करें देखते रहिए। डेवलपर ऑप्शन फिर से वहीं आएगा जहां पहले था। फिर से आपको उसी सेटिंग्स में जाना होगा, उसी ऑप्शन को इनेबल करना होगा जहां पे हमने पहले किया था, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और जो लास्ट था वो था एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। इसमें आपको जो हमने पहले 10x किया था, अब आपको एनिमेशन ऑफ करना होगा। ये 3 ऑप्शन आपको एनिमेशन ऑफ करने होंगे जिससे कि आपका मोबाइल पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ऑफ़ कर दिया है, अब आप देख पा रहे होंगे कुछ भी करने से आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है। इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, कुछ भी आप खोल के देखेंगे बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रही है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल की ग्राफिक्स क्वालिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। अगर आप हाई एंड गेम्स खेलने के एडिक्टेड हैं, अगर आपको हाई एंड ग्राफिक्स गेम खेलना अच्छा लगता है और आपका मोबाइल उन ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं आज आपको बताऊंगा उन ग्राफिक्स को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में एंटर करना होगा। मोबाइल सेटिंग्स में एंटर करके फिर से आपको डेवलपर ऑप्शंस में ही जाना होगा। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, देखते रहिए, वहीं आएगा वो ऑप्शन। आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, ये ऑप्शन है, इसका नाम है फोर्स 4xMSAA। इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना होगा। इनेबल करने के बाद आप कोई सा भी हाई एंड रेजोल्यूशन गेम खेल सकते हैं। आपका मोबाइल अब किसी भी हाई एंड रेजोल्यूशन गेम को सपोर्ट करेगा। मैं आपको बताता हूँ आपके लिए तीसरी ट्रिक। होता क्या है दोस्तों, जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में अपने कुछ एप्लीकेशन प्रॉपर शट डाउन नहीं करते हैं और वो हमारे बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं, जिससे कि हमारा मोबाइल स्लो हो जाता है क्योंकि वो बैकग्राउंड में हमारे मोबाइल की रैम को कंज्यूम करते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी मेरे मोबाइल में बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही हैं जो मेरे यूज़ में नहीं है, लेकिन वो मेरी मोबाइल की रैम को कंज्यूम कर रहे हैं जिससे मेरा मोबाइल स्लो है। अब मैं आपको बताता हूँ इनसे कैसे टैकल किया जाए। आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा और आपको डेवलपर ऑप्शन में एंटर करना होगा जहां से आप उनको लिमिट कर सकते हैं। आपको बताते हैं उन एप्लीकेशंस को कैसे लिमिट किया जाए। डेवलपर ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे एक ऑप्शन आता है दोस्तों, दिखाता हूं मैं आपको, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में आपको शो हो रहा है स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट के अंदर
आप काफ़ी सारी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, ये आपको अलाउ करता है। और इसमें दूसरा ऑप्शन है नो बैकग्राउंड प्रोसेस। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप ये ना करें, क्योंकि हो सकता है इसको अलाउ करने के बाद आपका फ़ोन थोड़ा हैंग करने लग जाए। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि या तो आप इसे एटमोस्ट 3 प्रोसेस पे कर सकते हैं या फिर 4 प्रोसेस पे कर सकते हैं। आप इसे 4 प्रोसेस पे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बैकग्राउंड में 4 एप्लीकेशन चलेंगी, और अगर आप 4 एप्लीकेशन से ज़्यादा रन करते हैं तो जो 5वीं एप्लीकेशन होगी वो रन करेगी, और जो फर्स्ट प्रायर एप्लीकेशन होगी वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी, जिससे कि आपका फ़ोन प्रॉपर रैम कंज्यूम करे, ज़्यादा रैम कंज्यूम ना करे और आपका मोबाइल फास्टर हो जाए। ये आपकी तीसरी ट्रिक थी। अब मैं आपको चौथी ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने मोबाइल से कैश फाइल को कैसे डिलीट किया जाए। कैश फाइल दोस्तों एक तरीके से हमारे मोबाइल की जंक फाइल्स होती हैं, जो हमारे मोबाइल में रहती हैं किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट को यूज़ करने के बाद, और जो हमारे मोबाइल को स्लो करती हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ इनको कैसे डिलीट या इरेज़ किया जाए। आपको सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने मोबाइल की स्टोरेज में जाना होगा, जहाँ पे आपकी मोबाइल की एप्लीकेशंस और गेम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। स्टोरेज यूज़ भी में आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन इंटरनल स्टोरेज में है तो आपको इंटरनल स्टोरेज में जाना होगा। अभी देखिए मेरा मोबाइल कैलकुलेट कर रहा है कि मेरे मोबाइल में कितनी एप्लीकेशंस, कितनी डेटा की एप्लीकेशंस हैं, कितना स्टोरेज उन्होंने यूज़ किया है, और ये है दोस्तों कैश डेटा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको 1-to-1 एप्लीकेशन से कैश डेटा कैसे रिलीज़ किया जाए। तो दोस्तों जैसे कि मेरे मोबाइल की एप्लीकेशन लोड हो रही हैं, ये मेरे मोबाइल में एक गेम है, इस गेम को अगर मैं एंटर करता हूँ तो इसमें मेरे मोबाइल में 7.8 MB का कैश डेटा है। इसको मुझे इरेज करने के लिए क्लियर कैश पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए दोस्तों मेरे मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज 7.8 MB का कैश डेटा रिलीज़ हो चुका है, और उतना ही डेटा, उतनी ही स्टोरेज मेरे मोबाइल की फ्री हो चुकी है। आप चाहें तो एक एक करके दोस्तों कर सकते हैं, जिनका भी करना चाहते हैं एप्लीकेशन और गेम का डेटा कैश रिलीज़ करना चाहते हैं, या फिर आप चाहें तो एक साथ अपने मोबाइल की कैश डेटा रिलीज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरे मोबाइल का ऑलरेडी कैश डेटा कैलकुलेट हो रहा है। अभी कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे एक साइज़ आएगा कितना मेरे मोबाइल का इन्होंने कंज्यूम किया है इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों 506 MB मेरे मोबाइल में जंक फाइल्स हैं कैश डेटा के रूप में, तो आप चाहें इनको एक साथ क्लियर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपसे इन्फो परमिशन मांग रहा है, दिस विल क्लियर कैश डेटा फॉर ऑल एप्स। आप ओके करेंगे तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशन हैं उनके सब के एप्लीकेशन की सारे कैश डेटा रिलीज़ हो जाएंगे। आप इसको एको कर दीजिए, आपका मोबाइल का कैश डेटा रिलीज़ हो जाएगा। इसके बाद आपका मोबाइल बिल्कुल फ्री हो जाएगा।